महिला है, स्कूल है बहन जी, बच्चे आपके पढ़ने कहाँ जाते हैं? नाम बताइए आपका है। को राशन से मिलता है? राशन कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ गांव में स्कूल है बेटा? आपका नाम क्या है? मनीष। मनीष, ये बताओ कि बेटा पढ़ते हो? क्यों बेटा? स्कूल नहीं है। आपका माता जी नाम क्या हुआ? मैंने देवी। ये बताइए आप राशन कार्ड है? राशन नहीं मिलता है जी। भैया आपका नाम क्या हुआ? क्या आपका राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो रहे सरकार को, घर कैसे कैसे खरीदा ना, फिर गड़बड़ा तो लग जाए भैया ने निकलते। गाँव में स्कूल है? स्कूल यहाँ होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। पानी का साधन नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है कि पानी भी पीने गए हैं, पानी भी नहीं है। पानी आप लोग कैसे पीती है? कैसे नदी का पानी इस्तेमाल करती है? तसगढ़ के पंचायत में मैं आ चुका हूँ, जिसका नाम सतगलिया है। और यहाँ पे काफी लोग, ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए, इनके पास स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है, और यहाँ पे किसी का राशन कार्ड भी नहीं है, पीने के लिए सही पानी का व्यवस्था नहीं है जी। ये रोहतासगढ़ का सतगलिया है। तो मैं बात करता हूँ एक हमारी बुजुर्ग माता जी है। ये बताइए आपके, आपका नाम क्या हुआ? पार्वती कुंवर। पार्वती कुंवर, तो ये बताइए कि आपके पास राशन कार्ड है? नहीं। अच्छा, आपको कोई पेंशन वगैरह कुछ पैसा होता सरकार की तरफ से मिलता है? तो बंद हो गई। अच्छा, वो भी बंद हो गया। और ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेटा आपका नाम क्या है? दोबारा कोई नहीं लगा लो। कौन? आप स्कूल पढ़ने जाते हो? स्कूल नहीं जाते हो आप बेटा? स्कूल जाते हो? नहीं बेटा। नहीं, क्यों नहीं जाते? स्कूल नहीं है, स्कूल यहाँ नहीं है। देखिए बच्चे भी कह रहे हैं कि यहाँ स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। आइए और बात करता हूँ। ये देखिए हमारे जॉब नेता यहाँ थोड़ा न्याजी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सारे बच्चे को टॉफी बिस्किट अपने हाथों से खुद से बांट रहे हैं। और हमारे पास एक और हमारे भाई है जी। आपका नाम क्या हुआ? आपका राशन कार्ड है? ये बताइए आपको राशन कार्ड मिलता है? राशन मिलता है? अच्छा, ये बताइए यहाँ स्कूल वगैरह है? अच्छा, यहाँ देखिए इनका भी कहना है कि राशन कार्ड नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है। ये देखिए हमारे जॉब नेता, ये किस तरह से समाज का सेवा कर रहे हैं, ये अपने साथियों के साथ वगैरह बांट रहे हैं। बच्चा लोग, तुम लोग क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पढ़ाई चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, असल बिहार आपका, असल भारत गांव से ही है। गांव के वोटर को चुनाव के 5 साल तक आप लोग भूल जाते हैं, और चुनाव के टाइम में चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपके सांसद हो, चाहे आप तमाम नेतागण लोगों, कोई भी नेता हो, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य लेके प्रधानमंत्री तक का, बातें बड़ी लच्छेदार होती है। बच्चे लोग खाना पीना नाश्ता कम, पढ़ाई ज्यादा चाहिए, मगर इत्तेफाक से ना है कि स्कूल या पीने का पानी, अब जब बेसिक चीज पानी ना हो, शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य के मामले में ये हाल है कि यहाँ से खटोला से लेके जाया जाता है, अगर आदमी बच गया तो ठीक, और न जयराम जी की। तो इस तरीके से आज आप इन महिलाओं की बात सुनिए, बच्चों की बात सुनिए। अगर जो लोग भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो यहाँ के प्रखंड स्तरीय अधिकारी हो, जिला स्तरीय अधिकारी हो, या तमाम तर लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है, यही अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से इस तरह के पिछड़े गांवों में या पिछड़े जगह पे बच्चों के लिए स्कूल और स्वास्थ्य की व्यवस्था यहां पर बहाल हो, ताकि हॉस्पिटल, अस्पताल सही वक्त पे उनको सही इलाज, सही पानी, सही खाना। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि यहां राशन लोग के पास नहीं है, खानदानी और रसूखदार लोग खा खा के मर रहे हैं,
राशन का कालेबाजारी हो रही है डीलर के साथ मिलके, मुखिया जो लोग होते हैं या अधिकारी अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं। राशन मिल रहा है ना, पानी के साधन है ना, कुछ के साधन है, औरत बाद में भूखा प्यासा है, पानी का लाती है, हम लोग पानी पी रहे हैं। इस चीज को स्पष्ट रूप से मसला ये सुनता का है नहीं, अधिकारी लोग के कान पिछली जू नहीं रेंगता है कि आप लोग अकेले अकेले जाते हैं, शिक्षा का अधिकार नहीं और ना अधिकारी के बाप की ताकत नहीं है कि आपको सुविधा न पहुंचा सके। किसी बड़े नेता, किसी बड़े नेता और अधिकारी के बाप का भारत नहीं है, हमारे टैक्स से चलता है ये। अब आपका सुनेगा भी कोई भी नेता हो अधिकारी हो, आपका सुनेगा भी, आपको आपकी चीजें आप तक पहुंचाएगा भी, और नहीं पहुंचाएगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, उसका गिरेबान पकड़ेंगे। तत्काल प्रभाव से हमारी कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द यहाँ जिन लोगों का विधवा पेंशन की जरूरत है, विधवा एवं वृद्धा दोनों पेंशनों को बहाल किया जाए, राशन की जिन लोगों को जरूरत है, राशन नहीं मिले, जरूरत तो यहाँ सबको है, कुपोषित क्षेत्र है हमारा, तो राशन मिले तत्काल, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बहाल हो सके उस चीज को करवाया जाए। आपकी मांग देखिए, हम बहुत छोटे आदमी हैं, हम किसी पद पे नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपकी बात उठा सकते हैं, कोई आश्वासन देके या वादा करके आपसे नहीं जाएंगे कि हम ही काम कराएंगे, क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र में आता भी नहीं है, हमारी औकात या हैसियत भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि अधिकारी और नेता का हम जीना हराम कर देंगे, अगर यहाँ का सांसद, अगर यहाँ का विधायक अगर हमारी बात सुने, उन तक हमारी बात पहुँच रही है, चाहे वो मुखिया, सरपंच, बीडीसी या बीडीओ, सीओ या यहाँ के जो लोग भी सरकारी शासन प्रशासन की व्यवस्था को बहाल करने में नाकाम है, हम उनका गिरेबान पकड़ेंगे, और अगर हमारी सुविधाओं को असुविधाओं को सुविधा में नहीं बदलते हैं तो उनको यहाँ से दौड़ा दौड़ा के मारा भी जाएगा। एकदम स्पष्ट, और हम एक एक छोटे छोटे गांव जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारा हक दे दीजिए प्यार से, नहीं तो फिर हम आपको अब तरीके से देना शुरू कर देंगे, एकदम कर देंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है हमसे जितना पर्सनल लेवल पे होगा, हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा तो दे ही सकते हैं तो शिक्षा देने की कोशिश करें। ठीक, प्रणाम। जी ये बताइए कि आपका राशन कार्ड है? नहीं। राशन मिलता है? नहीं। आपका नाम क्या हुआ? नाम है मुखी। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आपको कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता था, बंद हो गया। जी माता जी ये बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिलता था? हाँ। क्या अभी मिल रहा है? बंद हो गया। आपको ही बंद हो गया? और आपका राशन कार्ड है? नहीं। राशन कार्ड नहीं है? नहीं। तो ये बताइए कि आप लोग कैसे काम धाम चलता है, कैसे खाती पीती है? इस उम्र में गिट्टी पत्थर ये फोड़ती हैं और अपना काम चलाती हैं, यानी कि अपना गुजर बसर करती हैं। यहाँ पे तोराब खान न्याजी उनके दोस्तों ने यहाँ पे मास्क का वितरण किया और बच्चों को टॉफी लगाना है, इसको लगाना है, ये नहीं कि नहीं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम भोला। इसी गाँव के रहने वाले हैं? इसी गाँव का। अच्छा ये बताइए, आपको राशन मिलता है? पहले मिल रहा था, अभी 10 साल से मिल रहा है। आपके गाँव में यहाँ स्कूल है? आंगनबाड़ी है? अब ये देखिए, इस तरह से समाज का काम कर रहे हैं, ये सुराब न्याजी के दोस्त भी यहाँ पे हाजिर हैं, और ये सारे बच्चों के चेहरे पर खुशी। ये देखिए, बेटा का नाम क्या है? पवन। ये बताओ या आज तुमको टॉफी मिली है और ये कुकरे है क्या है? अरे ये बताओ नेताजी आपको कैसे लगे? नेताजी का काम आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है? चलो, और बेटा नेताजी को क्या कुछ कहना चाहोगे अपने गांव की तरफ से? आपको अच्छा लग रहा है? अरे अब स्कूल पढ़ने जाओगी? अच्छा ठीक है।
नेताजी से कहो कि अंकल मेरे गांव में स्कूल नहीं है, प्लीज स्कूल खुलवा दीजिए। ये देखिए, हाँ बोलो, आप क्या चाहती हो नेताजी से, क्या चाहती हो? कोरोना चल रहा है और बाहर जाके चलान कटता है, ये तो बहुत जरूरी है, तो चलान कटता है, दे दीजिए एक एक मास्क आप सब लोग ले लीजिए, मास्क लगा के बड़े लोग ले लीजिए, बड़े लोग, भले कपड़ा का जरूरी हो लेकिन लगा के रखिए, ठीक है ना? अभी दूर दूर रहिए, मास्क लगा के रखिए, सब लेके जाइए, बहुत मास्क है, किसी को घटेगा नहीं सर। नहीं, यहाँ पे लोगों से कोरोना काल को देखते हुए सभी से अपील की कि दूर रहिए, दो फीट की दूरी बना के रखिए और मास्क का प्रयोग कीजिए। निःशुल्क यानी कि मास्क भी विमोचन कर रहे हैं हमारे सोराब न्यादी।